शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में कोरोना मरीजों का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले कोरोना मरीजों से लाखों हजारों रुपए ऐंठ रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलते ही मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्होंने शहर के उकहाड हॉस्पिटल के प्रबंधक को जल्द से जल्द मरीजों के लिए गए ज्यादा पैसे लौटाने के सख्त आदेश दिए, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। नागपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज जारी है, किंतु शहर के वोकहाड अस्पताल में कोरोना मरीजों से हजारों लाखों रुपए ऐंठ जाने की खबर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्हें मिली, जिसके बाद मनपा आयुक्त ने वोकहाड अस्पताल के प्रबंधन को कड़े शब्दों में आदेश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द कोरोना मरीजों से अतिरिक्त फीस वसूला गया है, उसे जल्द से जल्द मरीजों को या उनके परिवार को लौटा दे, नहीं तो सख्त कदम वोकहाड अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ उठाए जाएंगे। नागपुर और ग्रामीण क्षेत्र की यदि बात करें तो कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसके चलते ये खबर दिखाए जाने तक के 7,747 कोरोना के संक्रमित पेशेंट है, उनका इलाज मेडिकल मेओ एम्स नीरी और मापसू में चल रहा है। इसके बावजूद जब से जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन ने इन्हें इजाज़त दी है, तब से लेकर अब तक के शहर के कई प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों का भी इलाज जारी है। ऐसे में शहर के वोकहाड हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन अफसोस कि कोरोना मरीजों के तरफ से काफ़ी पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी है, जिसके चलते ये बात जब मनपा प्रशासन के म्यूनसिपल कमिश्नर तुकाराम मुंडे इन्हें बताई गई तो तुकाराम मुंडे ने आनंद फानंद में आकर इन लोगों को सख्त हिदायत दी कि ज़्यादा कोई पैसे लेगा नहीं, अगर किसी के ज़्यादा पैसे लिए हैं तो उन्हें वो पैसे तुरंत रिटर्न करें। इस आदेश का अब ये वोकहाड हॉस्पिटल प्रबंधन कितना कामकाज कर रही है एक देखने वाली बात है। जब यहाँ के मुख्य प्रबंधिका सुजाता अग्रवाल से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए इनबीसीएन के संवाददाता से बात करने से साफ मना कर दिया। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।